भी गांव में किसी को सांप या बिच्छू काटता है तो उसका उसका जो जहर होता है वो जहर निकालने के लिए लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। स्वदेश पिक्चर का याद आ गया मुझे ये सीन देख के अभी। छोटा सा पॉन्ड है इसके जैसा और एक पॉन्ड है जो थोड़ा बड़ा है, तो अभी हम लोग वो देखने को जा रहे हैं उस तरफ। इसको क्या खासियत है ये, मतलब ये पॉन्ड का? इसका खासियत ये है कि यहाँ 12 महीने में पानी खत्म नहीं होता है। अच्छा, 12 महीने रहता है पानी? पानी साल भर पानी रहता है। और ये पहले के समय खुदी हुई है, इसमें पहले गाँव वाले यहीं से पानी ले जाते थे, कोई घड़ ले जाते थे, कोई साधन पर सकड़ा भर ले जाते थे, यहीं से पानी ले जाते थे। अच्छा, तो इसको खोद कर बहुत अच्छी नाली है और इतनी साफ नाली है, इसके अंदर पानी भी बहुत साफ अच्छा रहता है। अच्छा, और सब यहाँ पहले यहीं से पानी ले जाते थे, अभी तो थोड़ा कम आते हैं क्योंकि तो हो गई है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जब भी गांव में किसी को सांप या बिच्छू काटता है तो उसका उसका जो जहर होता है वो जहर निकालने के लिए लोग यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। स्वदेश पिक्चर का याद आ गया मुझे ये सीन देख के अभी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ थोब जो विलेज है, जोधपुर से करीब 120 किलोमीटर लगभग होगा। यहाँ पे स्पेशली मैं ये स्कूल देखने को आया हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे बताया है कि यहाँ पे ये स्कूल में सिर्फ दो टीचर्स पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। और अब अंदर जाके देखते हैं। Thank you.
राजकीय अपराध विद्यालय जाने की गणित थोब में इसको आई हुई है और मैं श्री राम जानी अभी इस बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ। किस स्टैंडर्ड से कक्षा से लेके कितने तक बच्चे? ये पहली से लेकर पांच तक है। अच्छा, और ये दो बच्चे शिमला मार्केट के, तो ये चौथी और पांचवी कक्षा बच्चे हैं। एक साथ पढ़ते हैं? एक साथ ही गणित पढ़ाते हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, दो टीचर हैं इसलिए साथ में पढ़ाना पड़ता है। और कितने क्लासरूम हैं? दो दो क्लासरूम में भी दो ही है, दो टीचर हैं। और जो बाजू के क्लास में उसमें कौन से कक्षा के बच्चे लोग? उसमें पहले से तीसरे तक बच्चे, पहले से तीसरी तक। तो मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो एक साथ पढ़ाते हैं। तो फीस वगैरह कैसा है? कुछ नहीं लगता है, बच्चों को कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, पूरी सरकार ग्रहण करती है, कोई पैसा नहीं।